फाइटर वो नहीं है जो अपने टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है। दोस्तों 250 करोड़ के बजट में बनी मूवी फाइटर, जिसमें पाकिस्तान भी है, पुलवामा ब्लास्ट भी है, बालाकोट भी है, पॉलिटिक्स भी है, एक्शन भी है और रोमांस भी है, जिसमें ऋतिक और दीपिका पादुकोण एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पर यार इस मूवी में सबसे बड़ी गलती ये करी है कि पाकिस्तान के फाइटर प्लान्स को ग्रीन दिखा दिया। हालांकि पाकिस्तान भारत से लोहा नहीं ले सकता, फिर भी पाकिस्तान के पास F-16 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन है, और आपने भारत और पाकिस्तान का फर्क दिखाने के लिए फाइटर प्लान को ग्रीन दिखा दिया। जब आपने इतनी डिटेलिंग पर ध्यान दिया है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रख लेते। हालांकि इस मूवी के विजुअल्स और VFX एकदम शानदार है, इसको कंगना की तेजस मूवी की तरह वीडियो गेम जैसा नहीं बनाया गया है। फाइटर मूवी का एक एक सीन आपको रियलिस्टिक लगेगा। इसके रियलिस्टिक लुक का कारण है इसके स्पेशल इफेक्ट DNEG कंपनी द्वारा मैनेज किए गए हैं। ये वही कंपनी है जिसने जेम्स बॉन्ड जैसी फिल्म में स्पेशल इफेक्ट दिए थे। फाइटर मूवी की सबसे खास बात यह है कि इसको इंडियन एयरफोर्स की मदद से बनाया गया है, और ये इस मूवी में दिखता भी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों जैसे रैंक, बैज, फाइटर एयरक्राफ्ट पर काफी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा इस मूवी में डायलॉग बाजी भी तगड़ी की गई है। अनिल कपूर का ये डायलॉग शानदार है, जंग में हार या जीत होती है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं होता। इस मूवी में आपको गूजबम्प्स और प्राउड की फीलिंग आएगी। जब ऋतिक कहता है अगर हम मैदान में उतरे तो पाकिस्तान को IOP यानी इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान बना देंगे। अगर आपने टॉप गन मूवी देखी है तो आपको लगेगा कि फाइटर को टॉप गन से ही कॉपी कर लिया गया है। और एक जगह ऋतिक रोशन पाकिस्तान के फाइटर पायलट से डॉग फाइट करते करते ऐसे बातचीत कर रहे हैं जैसे दोनों कॉफी पर मिले हों। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। दोस्तों वैसे ओवरऑल मूवी काफी अच्छी है, और कमेंट में बताइए आपका फेवरेट ऋतिक रोशन है या दीपिका पादुकोण। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।